चालकों पर लगाए गए नए कानून को लेकर शहर में अलग अलग स्थानों पर ट्रक चालकों ने सड़क जाम कर दिया। भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग बाईपास टीओपी अंतर्गत पहले पिस्ता चौक, जमुनी चौक, उसके बाद खिरीबांध पेट्रोल पंप के समीप चालकों ने करीब 3 घंटों तक रोड को जाम कर आवागमन बाधित कर दिया, जिससे आने जाने वाले लोगों को खासा परेशानी हुई। सबसे ज्यादा परेशानी में तो वो मरीज थे जिन्हें इलाज के लिए शहर जाना था, पर सड़क पर आवागमन ठप होने के कारण उन्हें जाम में ही अपना वक्त बर्बाद करना पड़ा। कई मरीज व एम्बुलेंस जाम में घंटों फंसे रहे, यहाँ तक कि एम्बुलेंस को भी जाने का रास्ता नहीं दिया गया। वहीं जाम की सूचना बाईपास टीओपी व जगदीशपुर थाने को मिलते ही दोनों थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत कर जाम को हटाया और आवागमन सुचारू ढंग से चालू करवाया गया। प्रदर्शन में मौजूद चालकों का कहना था कि हम लोग गरीब हैं, 10 से 15 हजार रुपये महीना किसी तरीके से कमाते हैं और अपने घर का भरण पोषण करते हैं। यदि यह कानून लागू कर दिया जाएगा तो हम लोगों को 7 साल जेल में रहना पड़ेगा, नहीं तो 10 लाख रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। आखिर हम लोग इतनी मोटी रकम कहाँ से लाएंगे, इसीलिए सरकार से इस कानून को वापिस लेने की गुहार लगा रहे हैं। मौके पर दर्जनों वाहन चालक मौजूद थे। 7 लाख पैसा रहता हम लोग के पास, यही ड्राइवरी करता, कोई बिजनेस नहीं करता हम लोग। करता। कितने दिन से ड्राइवरी कर रहे हैं आप? 2012 से। 2012 से कौन लाइसेंस है? हेवी लाइसेंस है क्या? हेवी लाइसेंस है। इसको एक ये वापस लीजिए। क्या ये कानून वापस करके? ये कानून को वापस लीजिए। क्या है, क्या हुआ है? इसका पहले सजा खराब था, आवाज बंद हो गया है। अच्छा, तो अभी यहाँ जाम में जो फंसे हुए कोई दिक्कत है? इधर भागलपुर के सुल्तानगंज में वाहन चालकों ने सरकार के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल सरकार द्वारा लागू किए गए नए नियम को वापस लेने की मांग को लेकर वाहन चालक प्रदर्शन कर रहे हैं। सुल्तानगंज में विशौनी पावर हाउस के समीप ट्रैक्टर, टोटो, ऑटो, ट्रक, टीपर और बस के चालकों ने अपनी मांगों को लेकर सुल्तानगंज देवघर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। साथ ही सरकार के विरोध में जमकर प्रदर्शन करते हुए हड़ताल आगे भी जारी रखने की बात कही। वहीं वाहन चालकों ने कहा कि नए कानून के अनुसार सड़क दुर्घटना होने पर वाहन चालकों को केंद्र सरकार के द्वारा 7 लाख रुपए जुर्माना एवं 10 साल की सजा होने का प्रावधान लाया गया है। चालकों ने कहा कि यह नियम गलत है, अब सभी वाहन चालकों द्वारा गाड़ी चलाकर अपना भरण पोषण करना काफी मुश्किल हो जाएगा और वे सभी परिवार भूखे मर जाएंगे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार यह नियम अविलंब वापिस ले, नहीं तो इस नियम के विरोध में वाहन चालकों की हड़ताल जारी रहेगी, जिसका खामियाजा आम लोगों को और यात्रियों को भुगतना पड़ेगा। वहीं जाम की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष प्रियरंजन पुलिस अधिकारी के साथ मौके पर पहुंचे और वाहन चालकों को समझा बुझा कर मामला शांत कराया, जिसके बाद सड़क से जाम हटाया गया। हालांकि सड़क जाम हटाने के बाद भी अपनी मांगों के समर्थन में वाहन चालकों का आंदोलन कानून वापस लिए जाने तक जारी रहने की बात कही गई। नया नियम जो भी लागू हुआ है, जो भी सरकार ने हम लोगों के खिलाफ किए हुए उन पे संशोधन करके हम लोग को जीने का एक नया जरिया दीजिए। अगर हम लोगों को 10 लाख रुपए रहते हैं तो क्या हम ये ड्राइवर का नौकरी करके 5,000, 7,000, 10,000 में अपना जीवन निर्वाह करते? इसलिए ये नियम को वापस करें और जिस तरह से नहीं समझ में आ रही सरकार को, हम लोग को एक मतलब जो कि फिक्स सैलरी के रूप में कहीं पे कोई इम्प्लॉयड के रूप में हमें इनवाइट करें, हम वहाँ पे जाके अपना नौकरी करेंगे, क्यों करेंगे ड्राइवर की नौकरी? अगर हमें बाय चांस कोई ड्राइवर जान के एक्सीडेंट नहीं करता, बाय दुबे अगर हो जाए तो उसमें से जो आपने ये जुर्माना दिए हुए और 10 लाख की 10 साल का जो सजा दिए हुए हैं उसमें हम लोगों के बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? भीख मांगेंगे कि आप लोग यही चाह रहे हैं? इससे बढ़िया कि हम आज से ड्राइवर का नौकरी छोड़ते हैं और अपना सरकार अपना चलाए, गाड़ी जैसे चलाना है। ने मांग आपका पूरा नहीं होगा? हम लोग का मांग जब तक कि वापस नहीं, मतलब नया नियम जब तक कि वापस नहीं होता, हम लोग के मन मुताबिक नहीं चलेगा, तब तक हम इस तरह से करते रहेंगे। भागलपुर के पीरपैंती थाना क्षेत्र अंतर्गत रामनगर से गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। दरअसल रामनगर निवासी अभिमन्यु कुमार अपने दोस्तों एवं परिजनों के साथ गांव के बसबिट्टा के समीप नए साल को लेकर पिकनिक मनाने गए थे। इस दौरान वहां पर हथियार के साथ दो व्यक्ति पहुंचे और अभिमन्यु कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। साथ ही एक व्यक्ति के पैर में गोली मारकर उसे बुरी तरीके से जख्मी कर दिया। इधर घटना की जानकारी मिलने पर कहलगांव एसडीपीओ एवं पीरपैंती थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस को घटनास्थल से एक जिंदा कारतूस एवं एक गोली का खोखा बरामद हुआ है। वहीं घटना के पीछे का कारण पैसे का लेन देन होने की आशंका जताई जा रही है।
हालांकि मृतक के भाई के फर्द बयान पर दो नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध केस दर्ज कर पुलिस ने एक आरोपी गोविंदपुर के वर्तमान सरपंच विक्रम यादव को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे नामजद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। उसके सस्पेंड एग्जाम जो मृतक है उनका नाम क्या था? अभिमन्यु। कौन है आपका? मंझला लड़का। अच्छा, आपको कितना लड़का है टोटल? तीन लड़का था। अच्छा, मंझला लड़का ही था अभिमन्यु। हाँ। कैसे कैसे क्या हुआ? मैंने वहाँ पर पिकनिक का अथी था। कहाँ पर पिकनिक मनाने गया था? यहाँ से 1 किलोमीटर दूर। अच्छा ठीक। यहाँ से गया रो सब ये सब खाना पीना खा करके तैयार हो गया था और पीछे से वो आया पाछे आया बस। कौन आया पीछे से? सरपंच जो था विक्रम यादव। अच्छा ठीक। और बिजुर यादव। अच्छा। मैंने वो पहले फायरिंग मार दिया अथी से बंदूक से। अच्छा। बंदूक की राइफल था, हम तो यहाँ पर थे, उनको आया यहाँ पर जानकारी करने के लिए तब हम जाने हैं तो वहाँ से फायरिंग कर दिया बस। वो जो पिस्टल लेकर के उसके जो भतीजा था उनका वही तड़ से उठा करके बस यहाँ पर मार दिया गोली। तेरी माँ जी चलो सबने पैसा दिया तुम काहन देगा? किस क्या चीज़ का पैसा मांग रहा था? किस पैसा का? चंदा पीने के लिए, दारू पीने के लिए। अच्छा। हाँ। पार्टी के लिए जो? हाँ पार्टी में चंदा लगा था। हाँ। कितना कितना पता है? अब कितना लगा था? 1500 था कि 2500 था? ये नहीं दिए थे अब? नहीं, हम नहीं नहीं खाएंगे, नहीं हम खाते हैं मांस मछली, नहीं कुछ खाते नहीं थे। अच्छा अच्छा, ये नहीं दिए इसीलिए उसको? हाँ। घटना हुआ था, आपको जानकारी कैसे पता चला कि आपके बेटा? आया मेरा भतीजा आया था यहाँ पर। क्या नाम भतीजा का? मुकेश। अच्छा, वही बताया आपको? हाँ, यहाँ पर लाश को आन करके फेंक दिया था वो वहाँ पर टेम्पो पर से लाया लाद करके वो टेम्पो वाला भाग गया। अच्छा। यहाँ का भतीजा मेरा जो है तेरा वही आके टेम्पो जानकारी किया हम थे रहे होते चौकी। अच्छा, और एक घायल भी है कोई उसके साथ? हाँ, एक लड़का वो उसका बोकी यादव का, स्वर्गीय बोकी यादव का बेटा है। अच्छा अच्छा। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ के तहत भागलपुर के नाथनगर विधानसभा अंतर्गत जगदीशपुर भवानीपुर देसरी एवं जगदीशपुर लोकनाथ उच्च विद्यालय मैदान में संकल्प यात्रा रथ पहुंची, जहां भाजपा नेता, नोडल पदाधिकारी एवं ग्रामीणों के द्वारा फूलों से संकल्प यात्रा में शामिल सभी लोगों का स्वागत किया गया, साथ ही उनकी आरती भी की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हमारा संकल्प विकसित भारत और मोदी सरकार की गारंटी वाली गाड़ी के माध्यम से केंद्र द्वारा प्रायोजित सभी योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। वहीं उज्ज्वला योजना, विश्वकर्मा योजना, आयुष्मान योजना, डाकघर की सभी योजना, अटल पेंशन योजना, किसान सम्मान निधि योजना समेत केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही सभी जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। साथ ही स्वास्थ्य का जांच कर जरूरतमंदों के बीच दवाई का मुफ्त वितरण भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा के द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत 5-5 गैस सिलेंडर एवं चूल्हा का भी वितरण किया गया।
इसके अलावा लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड भी बांटा गया। मौके पर कहलगांव विधायक पवन यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष कुमार, रोहित पांडे, नरेंद्र कुमार झा समेत भाजपा के कई नेता, कार्यकर्ता एवं ग्रामीण मौजूद रहे। भागलपुर के सुल्तानगंज में नववर्ष के दिन शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में बच्चे नहीं दिखे। वर्ष 2024 के पहले दिन भागलपुर के अधिकतर सरकारी विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति ना के बराबर देखने को मिली, जबकि शिक्षक भी विद्यालय में कम ही दिखाई दिए। वहीं बच्चों और शिक्षकों की कमी के कारण मध्याह्न भोजन भी बंद रहा। इधर प्रखंड के दरबारी सिंह मध्य विद्यालय में भी अंग्रेजी नववर्ष को लेकर सोमवार को स्कूलों में बच्चे एवं शिक्षक नदारत रहे। इसको लेकर विद्यालय के प्रधानाध्यापक दीपक कुमार ने कहा कि साल के पहले दिन स्कूल में मात्र 25 बच्चे पहुंचे, लेकिन बाद में वे सभी अपने अपने घर वापिस चले गए, जिस कारण मध्याह्न भोजन नहीं बनाया गया। हालांकि शिक्षकों के गायब रहने पर जब प्रधानाध्यापक से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी साफ बोलने से इनकार कर दिया और मामले से बचते दिखाई दिए।